दुमका के जामा थाना के एक एएसआई को कोर्ट में एक ई रिक्शा का दुर्घटना रिपोर्ट भेजने के एवज में घूस मांगना बुधवार को महंगा पड़ गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूसखोर एएसआई गोपाल प्रसाद साह को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने यह कार्रवाई ई रिक्शा के मालिक उत्तम कुमार की शिकायत पर की। दरअसल दुमका के उत्तम कुमार ने ई रिक्शा लिया था और उसे भाड़े पर चलाने के लिए नारायण भंडारी नाम के एक शख्स को दे दिया। बीते 28 जून को नारायण भंडारी के बेटे भोला भंडारी से ई रिक्शा चलाते समय एक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। मामले में जामा थाना में भोला भंडारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उस ई रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले की जांच का जिम्मा सहायक अवर निरीक्षक गोपाल प्रसाद साह को सौंपी गई। उत्तम कुमार ने अपना ई रिक्शा छुड़ाने के लिए कोर्ट की शरण में चला गया। कोर्ट द्वारा उक्त ई रिक्शा का एक्सीडेंट रिपोर्ट की मांग जामा थाना से किया गया। इस बाबत उत्तम ने एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में पता किया तो पता चला कि रिपोर्ट जामा थाना में है। उत्तम एएसआई गोपाल प्रसाद साह से मिला और संबंधित रिपोर्ट की जानकारी ली। एएसआई गोपाल प्रसाद साह ने एक्सीडेंट रिपोर्ट कोर्ट में भेजने के एवज में उत्तम से 5,000 रुपए घूस की मांग की, लेकिन उत्तम घूस नहीं देना चाहता था। फिर उसने अपनी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को घूसखोर एएसआई गोपाल प्रसाद साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरन समाचार।